मत्ती 13 अध्याय 47 से लेकर 50 तक वचनों को पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मे निकम्मे फेंक दी। जगत के अंत में ऐसे ही होगा। स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज हम वचन देखते आ रहे हैं, अभी थोड़े दिनों से स्वर्ग का राज्य के बारे में बताया गया, दृष्टांत के बारे में हम वचन को मनन करते आ रहे हैं। आज इस जगह पर भी हम देखते हैं स्वर्ग का राज्य जाल के समान करके यहाँ दृष्टांत प्रभु यीशु ने बताया है। एक जाल को समुन्द्र में हम डालते हैं तो वहाँ से उस जाल में बहुत तरह का मछलियाँ उसमें जाल में फंसता है। तब उसमें जाल में मछलियाँ फंसने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको किनारे पर खींच कर लेके आते हैं। वहाँ अच्छा मछली को अलग करते हैं, जो निक्के में है वो कुछ भी ऐसे मछलियों को उसको वो फेंक दिया जाता है करके यहाँ हम देखते हैं। ये सब कब होगा, ये सब स्वर्ग का राज्य का दृष्टांत को बारे में बताया है। ये सब अंतिम समय में न्याय का दिन होने वाला है, इसलिए हम बहुत सावधान से रहना पड़ेगा। आज लोगों को इस सच्चाई को हम बताते हैं, लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं। वो लोग सोचते हैं वो सब कब होगा, होने दो, अभी का क्या खाना है, अभी क्या पहनना है, अभी क्या हमको चाहिए, इसी में लोग अपने समय को व्यर्थ करते हैं। ऐसे व्यर्थ करते करते उन लोग ऐसे झूठा जाल में, शैतान के जाल में फंस जाते हैं। लालच का जाल वो बिछा कर रखा है, पाप के जाल को वो बिछा कर रखा है, उसमें जाकर लोग फंस जाते हैं। लेकिन उस वो जाल में जो लोग फंसते हैं वो लोग बच नहीं पाएंगे, लेकिन स्वर्ग का राज्य का इस जाल में जो लोग आते हैं वो लोग जरूर अनंत काल के लिए लोग बच जाएंगे, अनंत काल का राज्य में वो लोग प्रवेश हो जाएंगे, धर्मी लोग हो जाएंगे, धर्मी बन जाते हैं। धर्मी लोग स्वर्ग का राज्य में, पिता के राज्य में सूरज के समान चमकेंगे। इसलिए आज हमको इस जाल में फंसना है, इसी जाल में रहना है। समय आएगा सब ये सब होने वाला है। अभी सब पूरा जाल मछलियां से भरेगा, प्रभु का समय आएगा तब ये सब कुछ होने वाला है। अंतिम तूरी फूंका जाएगा तब ये सब होने वाला है। लेकिन हम उसको सीरियस लेना है, सावधान रहना है। हम अपने मन मर्जी से चलते नहीं रहना चाहिए। देखिए, हम सब लोग उद्धार पाना ही परमेश्वर का इच्छा है, कोई भी नष्ट होना प्रभु नहीं चाहते हैं। सब लोग बचना है, सब लोग अच्छे मछली होना है, सब धर्मी लोग होना है, यही प्रभु चाहते हैं। लेकिन क्या हो गया, ये नरक किसके लिए बनाया गया? इंसान के लिए नहीं बनाया गया। आप कभी भी आपके मन के अंदर ये विचार, ये गढ़ परमेश्वर का विरोध में एक डर ऐसे आज होगा तो आज आप उसको निकाल दीजिए। स्वर्ग का राज्य हमारे लिए बनाया गया है, हम परमेश्वर के साथ युगानुयुग रहने के लिए हमको परमेश्वर ने बनाया है। हमको ऐसे नष्ट होने के लिए नहीं बनाया। लेकिन शैतान क्या कर दिया, हमको वो फंसाता है ऐसे ऐसे जाल बिछा कर, क्योंकि नरक उनके लिए बनाया गया है। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, वहां हम देख रहे सुंदर रीति से बनाया पृथ्वी को, जैसा स्वर्ग है वैसे ही परमेश्वर ने बनाया, बनाकर उसको ऊपर राज्य करने के लिए अपने स्वरूप में इंसान को बनाया। परमेश्वर कहा आदम से, तुम लोग फलो फूलो, इस पूरा पृथ्वी को राज्य करो करके परमेश्वर ने आदम हवा का हाथ में अधिकार दिया। ये शैतान साहब इस बातों को वो देख रहा है, उसको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन के ऊपर, मेरे सिंहासन को मैं रखूंगा, मैं परमेश्वर के ऊपर रहूंगा, ये सारा आदर स्तुति आराधना सब मुझे मिलना है करके वो चाहता था। उसका घमंड उसको गिराया करके हम देख रहे हैं। उसके लिए स्वर्ग में भी उनको जगह नहीं है, पृथ्वी भी इंसान के लिए प्रभु ने बनाया, वो आकाश मंडल में
मत्ती आकाश में वो रह रहा है, वो कहाँ जाएगा, वो ऐसे ही है, उनके लिए कुछ है ही नहीं है, उनके लिए नरक बनाया गया है, उनके साथ जो भी गिरे हुए दूतों के लिए नरक बनाया गया है, लेकिन इंसान के लिए नहीं बनाया है। लेकिन वो क्या करता है, शैतान लोगों को झूठे बातों से सच्चाई से भटकाता है, ऐसे ही झूठ का जाल डालकर, ऐसे लालच का चीजों को रखते हुए पूरा आदम हवा का हाथों में जो अधिकार था उसको छीन लिया, पाप का जाल बिछाया, वहां जो अधिकार में लोग थे उनको वहां से गिरा दिया। यही शैतान का काम है, हमेशा वो अच्छे काम करने के लिए नहीं आता है, वो दुष्ट है, वो दुष्ट काम करने के लिए आता है, शायद वो चोर है, वो चोरी करने के लिए आएगा, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन यीशु आया, वो देखिए हमको बचाने के लिए आया, हमें छुड़ाने के लिए आया, हमें अनंत जीवन देने के लिए आया करके हम देखते हैं यूहन्ना 10:10 में। परमेश्वर हम नष्ट होना नहीं चाहता है। हम पहला तीमोथियुस 2 अध्याय में 4:5-6 वचन में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को बलि बांधी पहचान ले, यही प्रभु का इच्छा है, यही प्रभु का चाहत है। हम कोई भी नष्ट होना परमेश्वर नहीं चाहता है, इसके लिए हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को रखा है। छुटकारा का दाम यीशु है। यहाँ हम देख रहे हैं 6 वचन में, जिसने अपने आप को सबके छुटकारा के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है। अभी हम देख रहे हैं जो भी मछली पकड़ना है तो उसी में कुछ चीज़ों को रखते हैं, तब मछली उसको सुगंध को उसको सुनकर आता है, उसके द्वारा वो सांप क्या करता है, जाल में फंस जाता है। लेकिन आज देखिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें ऐसे ही पूरा पाप से दुष्ट से भरा हुआ इस दुनिया से हमें अनंत काल के लिए छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना एकलौता पुत्र को दाम दे दिया। यीशु हमारे लिए दाम चुकाया करके हम देख रहे हैं, वो हमें छुड़ाने के लिए आया। आज जो लोग उसको हृदय पर विश्वास कर कर मुँह पर अंगीकार करते हैं यीशु ही मेरा प्रभु है करके, वो लोग बच जाएंगे, ये अनंत काल के नरक से वो लोग बच जाएंगे, अनंत काल की महिमा में प्रवेश हो जाएंगे। यही स्वर्ग का जाल है, इसी जाल में हमको फंसना है, इसी जाल में फंसेंगे हम, धर्मी बन जाते हैं, वो लोग परमेश्वर का धार्मिकता को यीशु मसीह के द्वारा पा लेते हैं। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र का दिया है, लेकिन लोग इस अनुग्रह को दुच्छ जानते हैं, लोग प्रवेश नहीं हो पाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं मत्ती 22 अध्याय में एक राजा पर स्वर्ग का राज्य ऐसे ही दृष्टांत बताया है। स्वर्ग का राज्य अपना बेटा को, एक राजा अपना बेटा को शादी करता है, तब वहाँ जिस जिसको बुलाया है वो लोग उसको दुच्छ जान लिया, वो लोग ने उसको उसमें नहीं आया। तब राजा ने क्या किया, अपने नौकर लोगों से कहा, बाहर जाओ रोड पर किनारे पर, बाहर जो जो लोग बुरे अच्छे जो भी हो उसको बुला कर लेके आओ करके भेजा। पूरा आकर भर गया करके हम देख रहे, जो शादी का मंडप में पूरा ऐसे ऐसे लोगों से भर गया। जब राजा आकर वहाँ देखा, जो भी लोग जो जो लोग शादी का वस्त्र नहीं पहना उनको वहाँ से निकाल दिया गया है करके हम देख रहे। यीशु को हम पहनना है, यीशु ही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा हमारे लिए हमारा छुटकारा के लिए वही दाम चुकाया, इसलिए हमको उनको हम स्वीकार करके उनका धार्मिकता से हम स्वर्गीय राज्य में हम प्रवेश हो सकते हैं, नहीं तो हम प्रवेश नहीं हो पाएंगे। अपने खुद की धार्मिकता, कितने भी आप भले काम किए होंगे, कितने भी आप अच्छे हो, तो आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य वो पवित्र है, वो पवित्र राज्य है, स्वर्ग का पिता वो पवित्र पिता है। आज हम इस पृथ्वी में देख रहे लोग दुष्ट शैतान का जाल में लोग फंसते जा रहे, क्योंकि उन लोगों को अनंत का के महिमा के बारे में कुछ चिंता नहीं है, कुछ परवाह नहीं है। लोग सोच रहे हैं आज हमारे लिए सब कुछ मिलेगा बस करके, मूर्ख जैसा लोग ठोकर खाते हैं, शैतान लोगों को भरमा रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, ऐसे लोगों को छुड़ाना है, इसलिए आज हम भी जागृत होकर उठना है। जैसा हम पतरस को देख रहे हैं, पतरस एक मछली पकड़ने वाला था, अच्छा से उस बिजनेस को करते रहा, उसी दिन जब यीशु मसीह उस किनारे पर आया तब उस दिन उनको जाल में मछली नहीं मिला, तब वो बैठकर अपना जाल को वहाँ रिपेयरिंग मरम्मत करते रहा, तब वहाँ यीशु प्रचार
किया उनका बोट पर, उनके नाव पर बैठकर प्रचार कर रहा था। तब उसी दिन वहां देखिए पत्रस को एक प्रकटीकरण मिला, यीशु के बारे में उस प्रकटीकरण को पाया। तब उस धन को, स्वर्ग का राजा को उन्होंने आत्मा में जान लिया, देख लिया, उस धन को वो देख लिया। इसलिए वहां देखिए प्रचार खत्म होने के बाद यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा जाल को थोड़ा गहराई में लेके जाकर जालों को डाल दो करके यीशु कहा। तब पतरस ने कहा, प्रभु रात भर हम मेहनत प्रयास किया, फिर भी आप कहने से मैं इस जाल को डालता हूँ करके वो डाला। वहाँ पूरा जाल फटने जैसा ऐसे इतना मछलियाँ से भर गया, दो नाव पूरा भर गया, दूसरे नाव में रहने वाला को भी मदद के लिए बुलाया, इतना भर गया, इतना दुनिया के धन से परमेश्वर ने उसको भर दिया। पूरा ये सब मिलने के बाद तुरंत यीशु के पाँव पर गिरकर वो रोने लगा, प्रभु मैं एक पापी हूँ, ये प्रकटीकरण उसको मिला, मैं एक पापी हूँ, मुझे छुड़ाने के लिए एक पवित्र लहू चाहिए, मुझे एक पवित्र जीवन जीना है करके उस प्रकाशन उनको मिला। तुरंत यीशु को पीछे चलने लगा, सारा धन को छोड़कर, सारा सब बातों को छोड़कर, इतना दिन उसके लिए एक आशा था, जितना दिन वो उसके लिए जो घमंड की बात था सबको छोड़कर वो यीशु को पीछे चलने लगा। तब यीशु ने उनसे कहा, तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा करके उनको हाथों में जाल को पकड़ाया। मछली पकड़ने वाला पतरस अभी मनुष्य को पकड़ने वाला बन गया, परमेश्वर का राज्य का जाल को उन्होंने अपने हाथ में लेकर चलने लगा। आज पूरा दुनिया पूरा हम देख रहे स्वर्ग का राज्य का जाल बिछाया है, लेकिन जो लोग उसमें फंसते हैं, जो लोग उसमें आते हैं, वो लोग जरूर बच जाएंगे, वो नरक की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन शैतान भी क्या करता है, जाल बिछाता है, लालच, परमेश्वर का विरोध में जो भी बात आज हम देख रहे हैं, आजकल बहुत सच्चाई का विरोध में बहुत झूठा उपदेश, झूठे भविष्यद्वक्ता लोगों को वो खड़ा कर रहा है। वो लोग दूसरा कुछ भी नहीं, सच्चाई को लोग छोड़कर बाकी सब कुछ बताते हैं, सब आज चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोगों को भी वो वंचित करा रहा है। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम समय में हम देख रहे लोग ऐसे ही बिगड़ते रहेंगे, लेकिन उसमें से हमको बचना है, पवित्र जीवन जीना है, हम अंतिम समय तक हम परमेश्वर के साथ ही हम जुड़े रहना है। हम देख रहे आज अभी से पता चल रहा है अंत का निशान एक एक दिखाई दे रहा है। हम दूसरा तीमोतीस में हम पढ़ते हैं, आप इसमें पढ़ेंगे पूरा दूसरा तीमोतीस तीसरा अध्याय 1 से लेकर 4 तक पूरा लोग कैसे कैसे रहेंगे करके बताया है। लोग अभी से ऐसे रहते हैं, लोग बस इतना ही नहीं है, सच्चाई को छोड़कर दूसरे सच्चाई को प्रचार करने वाला झूठे लोग भी आज उठकर बढ़ रहे हैं, उनको पीछा करने वाला भी बढ़ रहा है, क्योंकि दुष्ट शैतान आकर ऐसे दुष्ट बीजों बो रहा है। जैसा हम मत्ती 13 अध्याय में हम देखते हैं अंतिम समय में ये सब कटनी काटा जाएगा। तब पहले 13 अध्याय 30 वचन में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वाला से कहूँगा कि जंगली दाने के पौधों पटोर कर जलाने के लिए उनके गढ़ बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो करके बताया है। वैसे यहाँ भी हम देख रहे हैं अच्छे मछली को टोकरी पर बर्तन पर इकट्ठा करते हैं, जो निकम्मे हैं, जो लायक नहीं है उनको फेंक दिया जाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे लोग नहीं है, हम यीशु मसीह का लहू से धोए हुए लोग धर्मी जन रहना चाहिए। धर्मी जन वहाँ क्या करता है, स्वर्ग का राज्य में वो प्रवेश होता है, वहाँ सूरज के समान वो लोग चमकेंगे। इसलिए हम लोग आज इस समय में हम बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शैतान ऐसे ऐसे जालों को बिछाता है बहुत, इसमें से अंतिम दिनों का निशान को हम देख रहे हैं। तब हम इसमें से बचना है तो हम क्या करना चाहिए, ऐसे बुराई दिन में ऐसे ही पूरा कहीं भी हम देख रहे हैं शैतान जाल डाल के रखा है, फंसने बहर में बचकर मैं जाऊं करके हम ऐसे ही खड़े हैं। इसलिए हम एफेसियो 6 में हम वचनों को हम पढ़ते हैं, हमको क्या करना चाहिए, 6:10 से हम वचनों को हम पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लघु और मास से नहीं परंतु
प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर की सारे हथियार और सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य की अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए धीरों के बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो करके यहाँ हम देख रहे हैं। अभी अंतिम समय में हम ऐसे ऐसे जो दूसरा तीमोथी तीसरा अध्याय में बताया गया इसी बातों से हमको बचना है, तो हम इसी बातों में हम बने रहना है। हम परमेश्वर का हथियार को बांधना है, हम पवित्र लोगों के लिए हम प्रार्थना करना है, आत्मा में पवित्र आत्मा का भरपूरी से हम भरे रहेंगे, सच्चाई वचन से हम भरे रहेंगे, तभी शैतान का जाल से शैतान का दुष्ट कामों से हम बच पाएंगे। वो हमेशा सुबह से लेकर शाम तक हमको वो जाल बिछाते रहता है, कहाँ इसको फंसाना है, कहाँ इसको अपने शब्दों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने आंख के द्वारा हमको वो फंसाने के लिए बहुत हमारा सामने कुछ ना कुछ वो लालच को लेके आता है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, हमारे आंख के सामने परमेश्वर का वचन को रखना है, जैसा दाऊद कहता है मैं मेरा आंख के सामने आपका वचन को रखा हूँ, मैं आपको रखा हूँ करके यीशु मसीह को ही हमको रखना है। उनका धार्मिकता को हम हमेशा पहने हुए रहना है, अपने खुद की बल से अपने खुद की धार्मिकता से हम खड़े रहेंगे हम जरूर शैतान के जाल से हम फंस जाएंगे। हम हमेशा परमेश्वर से जुड़े रहना है, जुड़े रहेंगे तभी हम उनसे बढ़ते रहेंगे, हम उनके लिए फल देते रहेंगे, हम मन फिराव का फल हमारे अंदर से प्रकट होते रहेगा। लेकिन हम उनको छोड़कर हम अपने बल पर लोग आज जाते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देंगे, उनका वचन को छोड़ देंगे, दूसरा कुछ ना कुछ बातों को लोगों को प्रचार करते हैं, वो सब उनको दंड की आज्ञा जरूर मिलेगा। इसलिए हमको बच के रहना है, वो लोग सच्चाई को हमेशा सच्चाई से बोलना है। ऐसे ही कलीसिया में प्रभु हमें रखा है, इसलिए हम हमेशा प्रभु के लिए धन्यवाद करना है। कभी भी इंसान अपने घमंड पर नहीं होना है, हमेशा पौलुस कहता है मैं हमेशा घमंड करता हूँ मेरे धन पर, मेरे पढ़ाई पर, मेरे परिवार के बारे में मैं घमंड नहीं करता हूँ, ये सब मैं कूड़ा समझता हूँ, मैं हमेशा मेरे क्रूस के बारे में मैं घमंड करूँगा, मैं यीशु के बारे में घमंड करूँगा। वैसे आज हमको भी होना चाहिए, जैसा पत्रस वो प्रकटीकरण को पाया, ये सारा धन सब कुछ उनके सामने कुछ भी नहीं है, सब छोड़कर यीशु का पीछे चला। आज आप जिस जाल में फंसे हो आज आप बाहर आइए, प्रभु यीशु को पीछे आप आइए, वो उनका जाल को आपके हाथों में वो देने के लिए वो तैयार है। आप जाल डालिए, आप जहाँ हैं वहाँ जाल स्वर्ग का राज्य का जाल को डालिए, मछलियाँ को पकड़ लीजिए, आत्मा को बचाइए, स्वर्ग राज्य में पहुँचाने का इस काम प्रभु ने हमको दिया है, हमको करना है। हमारा हाथ में जो जाल स्वर्ग का राज्य का जाल दिया है उसको हमको डालना ही है, उसको हम रखते हुए ऐसे हम खड़ा नहीं रहना है, हम डालेंगे तभी उसमें से मछलियाँ मिलेगा, आप भी मछली पकड़ पाओगे। परमेश्वर ने जैसा पत्रस से कहा तुम मेरे पीछे हो ले मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, हम प्रभु का पीछे होना है। हम संसार का पीछे हम चलते हुए प्रभु का काम को हम नहीं कर पाएंगे, संसार में हम रहते हैं लेकिन उनका रीति रिवाज से उनके अनुसार हम नहीं चलना है, प्रभु का पीछे हमको चलना है, यीशु का पीछे हमको चलना है, उनके क्रूस के बारे में हम घमंड करना है। हम अन्याय का काम करते रहेंगे, हम अभी भी जैसा पुराना जीवन हम जीते रहा, हमको प्रभु वहां से छुड़ा कर इस जाल में हमको लेके आया, स्वर्ग का जाल में अभी हम रहते हैं, अभी वापस यहां से वहां कूद कर नहीं जाना है, वो हमारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा। हम देख रहे हैं पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में, क्या तुम नहीं जानते हो कि अन्याय लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अन्याय लोग और भी अभी हम अन्याय का काम करते रहेंगे,
भक्ति भाव का वेश पहनकर अभी भी हमारे अंदर अंदर पूरा शैतान के वश में हम गुलामी बनकर रहेंगे, उनके जाल में फंसे रहेंगे तो कैसे हम बच पाएंगे। परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, वो अन्याय को कभी भी, वो पाप को, अन्याय को, दुष्ट को, दुष्ट कामों को वो स्वीकार नहीं करता है। उसके ऊपर वो नफरत करता है, पाप के ऊपर वो नफरत करता है, पापियों को वो प्रेम करता है। जो लोग मन फिर कर प्रभु यीशु के पास आएंगे उनको वो स्वीकार करता है। इसलिए आज हम इस पवित्र जीवन में हम आगे बढ़ना है, सच्चाई वचन को हम पकड़ते हुए हम आगे बढ़ना है। हमेशा दिन रात हम आत्मा में भरे रहना है, पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है, इसलिए आज हम उसी में, हम प्रभु में हम बने रहना है, जुड़े रहना है, प्रभु के लिए हम फल देना है। प्रभु हमारे द्वारा लोगों को छुड़ाना चाहते हैं, हम भी आज लोगों को छुड़ाने वाला बनना है। स्वर्ग का जाल से लोगों को हम छुड़ा पाएंगे, ये दुनिया का जाल से, शैतान का जाल से लोगों को हम छुड़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नरक की ओर लेके जाएगा। इसलिए आज हमको भी सावधान रहना है, प्रभु में ही हमको रहना है। जो लोग उसको स्वीकार, इस सुसमाचार को, अनुग्रह को स्वीकार करेंगे, वो लोग जरूर बच जाएंगे। इसलिए हम निराश होने बगैर, जैसा नूह के बारे में हम देख रहे, वो प्रचार करते रहा धार्मिकता के बारे में, परमेश्वर के बारे में, आने वाला दिनों में होने वाला न्याय के बारे में वो बताते रहा। वो अपने बचने के लिए परमेश्वर ने जो काम उनको किया उसको करते रहा, बोलते रहा, प्रचार करते रहा, काम करते रहा, लेकिन कोई भी लोग उसको सीरियस नहीं माना। लोग ने हंसी मजाक करने लगा, हंसी मजाक उड़ाने लगा। आज भी आपको लोग देखकर ऐसे ही बोलेंगे, ये क्या ये लोग कर रहे हैं, ये लोग दुनिया को, आज का जीवन को लोग ये एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्या आने वाला दिन में ये होने वाला, ये होने वाला, ऐसे ही बोलते करके लोग आपको हंसी मजाक करेंगे। उसी के लिए आप पीछे नहीं जाना है, पीछे मोड़ कर नहीं जाना है, यीशु का पीछे ही चलना है। नूह देखिए, किसी को बातों पर वो ठोकर नहीं खाया, वो अपने करते रहा, परमेश्वर को बातों को मानकर वो बनाया, वो बच गया, उनके साथ उनके परिवार वाला भी बच गया करके हम देख रहे हैं। लेकिन जो लोग उसको अनुग्रह को व्यर्थ गिना, व्यर्थ सोचा, हंसी मजाक उड़ाया, वो सब पानी में डूब गया करके हम देख रहे हैं। इसलिए आज हमको बहुत सीरियस उसको लेना है, इस अनुग्रह में हम बने रहना चाहिए, इस जाल में, इस स्वर्ग का जाल में हम रहेंगे, जरूर हम बच पाएंगे। यही हमारे लिए सेफ्टी है, यहाँ हमारे लिए डर नहीं है, यही मंडल में हमको रहना है। यहाँ छोड़कर हम दूसरे जाल में हम जाएंगे, जरूर हमें खतरा है। जैसा मछली को बारे में हम देख रहे, मछली पानी में ही रहना है, उनका अच्छा है। अगर वो मछली आकर आज हमारा घर पे आकर, अच्छा है आपके घर, सोफा डाल के रखा है, पंखा लगा के रखा है, एसी लगा के रखा है, कितना अच्छा है, मैं इधर ही रहूँगा करके वो मछली बोलकर वहाँ रहेगा, मछली का हाल क्या होगा, तुरंत मर जाएगा, क्योंकि मछली के लिए वो मंडल नहीं है, पानी में रहना ही उनको सुरक्षा है। वैसे ही हम आत्मिक लोग हैं, हम इस आत्मिक मंडल में, इस बातों में हम जुड़े रहना है। इसी जाल ही हमारे लिए, हमको जैसे दूसरे लोगों को देखने में लगता है ये लोग सब जाल में फंसे हुए लोग हैं, लेकिन हम उनको इस जाल में, हम पवित्र लोगों के साथ आज हम जुड़ गया है, हम धर्मी लोगों के साथ हम जुड़े हुए लोग हैं, हम स्वर्ग को यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता है। लेकिन आज हमको वहाँ का और नहीं जाना है, पीछे के और मोड़ कर नहीं जाना है, उसी जाल अच्छा है करके वहाँ जाकर नहीं फंसना है। वो फटा हुआ है, वो नरक के लिए जाने के लिए और तैयार है, लेकिन हमारा जाल वो स्वर्ग के ओर खींचा जाएगा, हम स्वर्ग के ओर चले जाएंगे। सावधान रहना पड़ेगा, इस पवित्र जीवन में हम आगे बढ़ते रहेंगे, शीघ्र आने वाला है यीशु मसीह, जल्दी से जल्दी आने वाला है। इसलिए आज हम तैयारी के साथ रहना है। शैतान भी थोड़े समय है करके लोगों को भरमा रहा है, अलग अलग टाइप का जाल में लोगों को फंसा रहा है, लेकिन आज हम उसमें से फंसने बाहर, उसमें से बचकर हमको निकलना है। तो हर दिन पवित्र आत्मा का भरपूरी में, उनके वचन में, उनके संगति में बने रहना है, हम एंजॉय करना है। इब्रानियों 12 अध्याय 22 23 से लेकर हम वचन को हम देखते हैं, और उन पहलोटा की साधारण सभा में और कलिशिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्य यीशु और छिटकाव के उस लघु के पास
आए हो, जो आबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हम वहाँ अभी आ गया है, उसको अभी हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो नरक की ओर खींचा जाएगा, उसी जाल में जो लोग फंसे हुए हैं अभी से, शैतान उनको उसी कोई वेदना को, बीमारियों को, दुख को देते रहता है। लेकिन स्वर्ग का जाल में जो लोग फंसे हैं, वो लोग और भी हम पवित्र जीवन में हम आगे बढ़ते रहना है, पवित्र लोगों के साथ संगति में हम जुड़े रहना है, यही हमारे लिए सुरक्षा है। अभी हम यहाँ एंजॉय करना है प्रभु को, उपस्थित को, प्रभु का अनंत काल के महिमा को प्रभु हमारे लिए रखा है। इसलिए आज हम कितना आनंद की बात है, दुष्ट के साथ प्रभु हम धर्मी लोगों को अंत को नहीं करेंगे, धर्मी लोगों को अलग करेंगे, धर्मी लोगों के लिए प्रतिफल दिया जाएगा। ये सब अंतिम समय में, दुनिया के अंतिम समय में होने वाला है, प्रभु का समय पर सब कुछ पूरा होगा। अभी ऐसा लग रहा है जाल बिछा कर रखा है, ये मछली जब भरेगा पूरा समय, उस समय खींचा जाएगा करके लिखा है। दुनिया का अंत होगा, पूरा प्रभु ने समय दिया है, इस अनुग्रह को अव्यर्थ नहीं मानना है, अभी उसको स्वीकार कीजिए, प्रभु में आ जाइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, इस वचन के द्वारा आप हमसे बात किया, हमको प्रभु आपके स्वर्ग का जाल में हमें प्रभु फंसाया, बचाया, धन्यवाद प्रभु। अभी जितने लोग इसमें आना बाकी है वो लोग भी आ जाए प्रभु, उस आत्मा भी नरक से बच जाए प्रभु, आपका स्वर्गीय वारिस बन जाए, ज्योति का राज्य का वारिस बन जाए प्रभु, अंधकार से, नरक से, आग से उसको छुड़ाइए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन।